यार अब मैं आप लोगों को सरप्राइज दिखाने लगा हूँ। बाकी यार आज इसमें मैं दूसरा अंडा अपना दे दिया। महंगी है, टॉप क्लास, टॉप लाइन, ब्लड लाइन अच्छी है, ब्रीडर में पेयर है, काफी ज्यादा हबस है यार। आज बहुत ही अच्छा यार मेल है ये, ब्रीडर मेल, उसके बाद टॉप लाइन का टॉप क्लास मेल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो यार सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अभी अभी यार नहा के आया था बाहर, फिर वैसे के वैसे ही हो गए। मतलब यार पता नहीं क्या, मेरे बाल यार पहले सीधे होते थे, अब टेढ़े होने लगे हैं। तो यार दूसरा आप लोगों को बता दूं, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा मजदूर यार काम कर रहा था, तो यार वो काम ठीक करने के बजाय ना यार वो सारा काम बिगाड़ गया। हमारा मजदूर ना उसे जब नहीं हो रहा तो यार उसने बाकी सारा तोड़ दिया। आप लोगों को पता ही होगा हमारा मजदूर कौन है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो जल्दी से पिछली वीडियो देख लें। तो यार अब हमारे लिए यार हम यही कर सकते हैं कि यार अब हम कोई और मजदूर ढूंढें, या तो यार फिर बाहर से लेके आए, तो वो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताना। तो जल्दी से आज की रूटीन का आगाज़ करते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए। मौसम की बात की जाए दोस्तों तो आज धूप है और ज़्यादा गर्मी नहीं है, मतलब हवस टाइप है, थोड़ी बहुत हवा चल रही है। तो इंशाल्लाह आगे बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद आप लोग जोर से देख रहे हैं, पिछले साल भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, मतलब बारिश है बकरा ईद पे। तो यार बकरा ईद तक मतलब मौसम साफ ही रहेगा, बारिश वगैरह होगी। यार आज इसमें ना दूसरा अंडा अपना दे दिया है, तो चेक नहीं करेंगे इसको, तंग नहीं करना। तो आज इसका दूसरा अंडा आ चुका है। फीमेल दोस्तों हमारी मटकी के अंदर बैठी हुई है, ये माशाल्लाह इनका बच्चे जोर से निकलेगी, उनका फादर है माशाल्लाह, देखें बहुत ही अच्छा यार मेल है ये, ब्रीडर मेल, उसके बाद टॉप लाइन का टॉप क्लास मेल है। शिकार अपने शिकारी को नहीं छोड़ता। हाँ यार आज का सरप्राइज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जल्दी से। आज का आप लोगों का सरप्राइज है यार, कल रात में ले आया था, तो कल रात व्लॉग मैंने बनाया नहीं, तो मैंने केक के अंदर छोड़ दिया था यार इनको। तो अब आप लोगों को सरप्राइज दिखा देता हूँ जल्दी से। यार अब मैं आप लोगों को सरप्राइज दिखाने लगा हूँ, ये माशाल्लाह चेक करें। तो यार ये हमने ना लव बर्ड्स मंगवाए हैं टॉप लाइन की, ये जो सी है ना, क्या मिलता है यार, मैंने नेम दोबारा से भूल गया। महंगी है, टॉप क्लास, टॉप लाइन, ब्लड लाइन अच्छी है, ब्रीडर में पेयर है, आप लोग चेक करें माशाल्लाह यार, ब्रीडर पेयर है, टॉप लाइन की है। और अभी तो यार इनका सीजन चला गया, इंशाल्लाह सर्दियों तक खुद मैच्योर है, मतलब सर्दियों में ये अंडे दे देंगे, सर्दियों में सितंबर के महीने में इनको बॉक्स लगा के देंगे, वो इंशाल्लाह ब्रीडिंग करेंगे। और यार ये एक नीचे पेयर है, ये अभी यार छोटे हैं, पट्ठे हैं अभी, ये अभी ना यार ब्रीडर नहीं हुए, तो अभी 4-5 महीने के पट्ठे हैं ये, तो इंशाल्लाह सर्दियों तक इनको अच्छी डाइट देंगे। तो आप लोगों के सामने मिक्स की है हमने, मिक्स फीड बनाई है, तो इंशाल्लाह सर्दियों तक अच्छी डाइट देंगे इनको, तो इंशाल्लाह ब्रीडिंग करना शुरू कर देंगे ये भी, नहीं तो अगले से अगले साल इंशाल्लाह ब्रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं हमारे खोखे का बात नहीं आ रहे, फिर बॉक्स में जाके बैठ गए हैं, ये देखें माशाल्लाह फिर बॉक्स के अंदर बैठे हैं दोनों। मैं यार सोच रहा हूँ कि हमें इनका ना यार बॉक्स आ दे, नहीं तो यार ऐसे ना बॉक्स में बैठेंगे, गर्मी आ रही है आगे। और कॉकटेल का बॉक्स में अभी नहीं उतार रहा क्योंकि यार अभी वो अंदर बैठे हुए हैं, मैंने काफी ज्यादा कोशिश की है कि यार ये बाहर निकले, इनका बॉक्स में बदलूं, लेकिन यार ये बाहर नहीं आ रहे। तो जैसे ही यार यार ये बाहर आएंगे तो मैं इनका बॉक्स मतलब उतार दूंगा, चेंज नहीं करना, हमें उतारना है बॉक्स इनका। तो यार जैसे ही बाहर आएंगे मैं इनका बॉक्स उतार दूंगा। यार नुरान भाई के कबूतरों ने अंडे दे दिए हैं, जैसा कि वो आप लोगों को पता है पिछले व्लॉग में आए थे वो हमारे पास, जिस दिन मैं केक लेके आया था,
तो यार वो कह रहे थे कि वो तो पेड़ लेके आए थे, ब्रीडर पेड़ हमारे लिए। यार वो कह रहे थे आपने रखते हैं, अब इसमें से ही रख लो, आप ज़्यादा देर ना करो। मैंने कहा था यार आप मुझे बच्चे देना, मैं बच्चे रखूँगा अपने पास, क्योंकि यार वो ब्रीडर हैं, उनको क्या पता यार हमारे घर का, उनको उनके घर आदत है। मैंने कहा था उनको कि बच्चे दे देना आप। तो यार मुबारक हो आप लोगों को भी, उनके कबूतरों ने यार अंडे दे दिए हैं शिराजी ने। तो इंशाल्लाह अब ये वो भी मेरे ख्याल से 21-25 दिन लगाते हैं निकालने में, फिर यार ये महीना वो अपने पास रखेंगे, मतलब 1.5 महीने तक हमें शिराजी कबूतर मिल जाएंगे हमारे। तो यार थोड़ी देर पहले मैं नीचे चला गया था, तब यार धूप थी, अब शाम हो गई है, तो अभी चिक्स को अभी नहीं बंद करना, चिक्स को हम रात को बंद करते हैं ईशा के टाइम पर। तो अब ये सारा दिन यार ये खुले ही होते हैं, और बाकी की रूटीन देखते हैं अब अपनी क्या करने हैं। अब दाना पानी तो यार सबको डाल दिया था फिर आने, अब देखते हैं कि आगे क्या करना है हमने। काफ़ी ज़्यादा हबस है यार आज, हवा वगैरह नहीं चढ़ रही, वैसे शाम हो गई है। ये चील जा रही है ऊपर। तो यार मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है अपने टिकटॉक अकाउंट का, ओन्स व्लॉग, जाके वो भी क्या हम फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम अकाउंट का भी दे दिया है, वो भी ओन्स व्लॉग, वो भी जाके फॉलो कर लें। और फेसबुक अकाउंट का भी दे दिया है ओन्स व्लॉग। तो यार ये तीनों अकाउंट हैं, इन पे जाके हमें फॉलो कर लें इंशाल्लाह। उधर भी क्या मैं ये यूट्यूब की वीडियोज़ भी वगैरह डालता रहता हूँ, और दूसरी यार बाकी अपडेट्स भी उधर आती हैं, तो आप लोग जाके उधर हमें फॉलो कर लें इंशाल्लाह। उधर आप लोगों को हमारी बाकी डिटेल्स वगैरह मिल जाया करेंगी, इधर तो सिर्फ लोग आते हैं, उधर हमारी बाकी डिटेल्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाया करेंगी, और उधर जाके भी हमें फॉलो कर लें जल्दी से। तो यार आज का लोग उम्मीद करूँगा आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे लोग अच्छे अच्छे आया करेंगे, और इससे अच्छे इम्प्रूव होंगे, मतलब इतने अच्छे नहीं, इससे भी अच्छे आया करेंगे। इम्प्रूव हो रहे हैं अभी मेरे व्लॉग्स, थंबनेल तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, पिछले थंबनेल्स वगैरह आप लोग देखें और अब के थंबनेल आप लोग देखें, आप लोगों को इम्प्रूवमेंट दिखेगी माशाल्लाह। आजकल थंबनेल्स अच्छे आ रहे हैं, ऐसे मैं कोशिश करूँ कि वीडियो भी अच्छी आई, इंशाल्लाह वीडियो भी अच्छी आएगी। तो यार ये वाला व्लॉग इतना ही, उम्मीद करूँगा आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार शाम का टाइम हो गया, अभी मेरा व्लॉग बनाने का मूड नहीं है। तो ये वाला व्लॉग इतना ही, उम्मीद करूँगा आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इसलिए मिलेंगे कल एक न्यू टॉपिक के साथ, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।